Hello everyone, welcome again. This is Vinay Pandey. Mathematical statistics में probability में आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ वो है random variables. Probability के काफ़ी videos sequence में हम कर चुके हैं. जो last video था उसमें हमने Bayes theorem पढ़ी थी और उस पर based numerical मैंने आपको कराए थे. तो रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं. रैंडम वेरिएबल्स होता क्या है, डेफिनेशन पे पहले आते हैं. अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर विद ईच एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस. रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट को एक रियल नंबर से रिलेट करता है. अब वो कैसे करता है, कैसे इसको हम समझें, उसके लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए. अगर हम एक दो कॉइन्स ले रहे हैं और दो कॉइन्स में सैम्पल स्पेस की बात करें तो क्या क्या होगा. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. ध्यान से समझिए आप इसको. रैंडम वेरिएबल बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएगा. रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर विद ईच एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस. एक रियल नंबर को सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट से वो रिलेट करेगा. एक ऐसा फंक्शन होता है. तो अगर हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं नंबर ऑफ टेल्स पे, और यही नंबर ऑफ टेल्स हमारा इस केस में एक फंक्शन है. अब नंबर ऑफ टेल्स की बात करें तो एक कॉइन को दो बार टॉस करो या दो कॉइन को एक बार टॉस करो, बात एक ही है. फिलहाल मैं एक कॉइन को दो बार टॉस कर रहा हूँ. तो एक कॉइन को दो बार टॉस करने पे ये हमारे सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स आएंगे और मैं नंबर ऑफ टेल्स पे फोकस कर रहा हूँ. तो नंबर ऑफ टेल्स को हमने एक्स मान लिया. तो इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे स्टूडेंट्स. एक केस बनेगा कि कोई भी टेल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू क्या हो गई, जीरो. तो एक रियल नंबर है और इस रियल नंबर को इसके सैंपल स्पेस से रिलेट कर रहा है. या फिर उसमें एक टेल आ जाए या फिर दोनों के दो टेल्स आ जाए. अगर हम x इक्वल टू जीरो की बात करें तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ टेल्स हैं वो जीरो है, यानी कि एक भी टेल नहीं आ रहा. तो इसमें क्या केस बनेगा, एच एच कर दिया इसने इसको, इस रियल नंबर को इसके सैंपल स्पेस से रिलेट कर दिया. इस तरीके से x इक्वल टू वन का मतलब एक टेल. तो एक टेल किस किस में आ रहा है, एच टी और टी एच. और x इक्वल टू टू का मतलब क्या हो गया, दोनों टेल्स. तो एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन एक रियल नंबर को सैंपल स्पेस से रिलेट करेगा, सैंपल स्पेस के एलिमेंट से रिलेट करेगा. इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल. शायद अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा रैंडम वेरिएबल्स का. अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है. इस न्यूमेरिकल को देखते हैं. If a coin is tossed two times, तो sample space क्या बनेगा, वही head head, head tail, tail head और tail tail. Probability distribution हमको बनाना है. Probability distribution बहुत easy है अगर आपको sample space समझ में आ गया. तो x जो है हमने जो random variable है वो क्या मान लिया, number of heads. अब आप खुद दिमाग लगाइए, number of heads x डिनोट कर रहा है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कि या तो एक भी हेड ना आए, या एक हेड आए, या दोनों के दो हेड्स आ जाएं. तो x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई भी हेड नहीं आ रहा, यानी कि टेल टेल. इसमें क्या होगा, इसमें होगा हेड टेल और टेल हेड, और इसमें क्या होगा, दोनों हेड हेड. ठीक है, तो x की ये तीन वैल्यूज के केस में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x की वैल्यूज आप यहां लिखिए, x की वैल्यूज और यहां उसकी प्रोबेबिलिटी. x की कितनी वैल्यूज हैं, एक है जीरो, एक है वन और एक है टू. जीरो, वन, टू. x इक्वल टू जीरो में प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जीरो कितनी हो जाएगी, ये भी टेल है. अच्छा, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है. इसमें दोनों क्या आ रहे हैं, टेल आ रहे हैं. तो दोनों टेल आ रहे हैं, या तो आप क्या करिए, ये वन हो गया और टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स कितने, फोर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन बाई फोर. तो यहाँ कितना आ जाएगा, वन बाई फोर. पी एक्स इक्वल टू वन कितना हो जाएगा, दो एलिमेंट्स और टोटल कितने हैं, फोर. टू बाई फोर यानी कि वन बाई टू. और तीसरा कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू टू पे वन बाय फोर. तो ये आपका
इस क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का की टेबल हो जाएगी। अब कैसे चेक करें कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही बना है या नहीं बना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करिए आप, और ऐड करके चेक करिए कि क्या आपका आंसर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1/4, 2/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो 4/4 आएगा, और 4/4 का मतलब कितना हो गया, 1। तो अगर प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आ गया तो इसका मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है वो क्या है, करेक्ट बना हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है जिसमें तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हमको सॉल्व करने हैं। ये टेबल आपको दी हुई है, ये रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं और ये आपका प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। पहले केस में क्या बोल रहा है कि आपको k निकालना है। अभी मैंने आपको क्या बताया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है, 1 होता है। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का, वी हैव द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, यानी कि 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 3k प्लस 2k प्लस 0.3 इक्वल टू 1। कैसे चेक करें कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? तो एक तो क्या प्रॉपर्टी है कि आपका जो ये वैल्यूज़ है प्रोबेबिलिटीज़ की, ये सारी वैल्यूज़ का सम कितना होना चाहिए, इक्वल टू 1। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव में ना आए। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, गलत हो जाएगा वो। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। तो ये 0.1, 0.2 और 0.3, 5 और 6, 0.6 के कितना हो जाएगा, 6k इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा, 0.4। तो k इक्वल टू 4/60, तो 1/15, k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/15। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका सॉल्यूशन हो गया। आते हैं सेकंड पार्ट में, k की वैल्यू 1/15 है, इसको हमको आगे भी यूज़ करना पड़ेगा। ये 1/15 वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी इसका कर सकते हो। सेकंड पार्ट में आइए, सेकंड पार्ट में भी दो पार्ट्स हैं। एक है पी एक्स लेस देन 2, यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 से छोटी जब है तब आपको उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको निकालना है पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1, 0 2 से छोटी यानी कि ये सारे केसेस ऐड करने हैं, प्लस पी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू माइनस 2। ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ को आपको ऐड करना है। तो 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 3k कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.2 0.3 प्लस 4k 0.3 प्लस 4k की वैल्यू कितनी है, 1/15 7.5 प्लस 4/15 11.5/15 पॉइंट हटा दीजिए आप, 115/150 जो कैंसिल होगा उसको आप कैंसिल कर लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 में 2 के इक्वल वाली प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 0 1 और 2 वाली प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है, या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर हम 1 से इसको, क्योंकि इन सब का सम कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से अगर हम इस वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो इसी को हम सिंपल ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, 0.7, ये आपका इसका आंसर हो गया। अगला पार्ट देखिए, तो थर्ड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ k सच दैट p x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0.32। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3। आपको इसके लिए k की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये लास्ट की तीन वैल्यूज ऐड करेंगे तो 3k प्लस 2k प्लस 0.3 0.32 ये कितना हो जाएगा, 5k
और ये 0.3 वहाँ ले जाएंगे, तो 0.32 माइनस 0.35, के की वैल्यू कितनी है 1/15, सॉरी के की वैल्यू तो हमको निकालनी है यहाँ पे, वो के की वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, 5k, और ये कितना आ जाएगा 0.02, तो के ग्रेटर देन 0.02 अपॉन 5, तो के ग्रेटर देन ये पॉइंट हटेगा तो 1/250, तो के क्या आ रहा है ग्रेटर देन 1/250, और यही आपको के की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो के की मिनिमम वैल्यू क्या है 1/250 से बड़ी, तो 1/250 से बड़ी इसके बाद की जो भी वैल्यूज आप लेंगे उन वैल्यूज़ में जो प्रोबेबिलिटी है वो इस कंडीशन को फॉलो करेगी। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, रैंडम वेरिएबल के इसी तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहें, ये हायर एजुकेशन प्लस क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंडम वेरिएबल टॉपिक। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करेंगे उतना आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर होता रहेगा। प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी अगला वीडियो भी हम लेकर के आएंगे।